फाइनली। मैंने क्यों मिस किया यार। चलो कुछ तो अच्छा हुआ, बट मैंने इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा खूबसूरत जगह है। मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब कैमरा तो जस्टिस नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को। ये पूरा जाएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अगेन आई एम स्टार्टिंग दिस ब्लॉग फ्रॉम नाउ ओनली। दिस ब्यूटीफुल लोकेशन चल रहा है डेकोरेशन, नाइस ब्यूटीफुल डेकोरेशन एज यू कैन सी। तो मुझे पता चला है यहाँ पे है वेडिंग एंड बाय 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 बाय। सो गाइज, हमने यहाँ पे देखी चेरी, सब ने नीचे चेरी तोड़ दी है, लेकिन ऊपर क्यूट क्यूट चेरीज़ लगी हैं। आई विश नीचे होती तो फिर मैं चेरी डेफिनेटली तोड़ती और एक ओरिजिनल फील लेती है। और ये देखो ये कहाँ चढ़ रहा है, फ्रेश फ्रेश चेरी। ये एक तोड़ के सब लोगों ने, एक तो मेरे हाथ में आईपैड। थैंक यू फाइनली। चलिए गाइस, अब शिफ्ट। हाँ, पैर तुड़वा लेना। क्या पकड़ू, मेरे दोनों हाथ भरे हुए हैं गाइस। चेरी चेरी चेरी, नाइस। सो चले, सामान सारा हम लेके आ रहे हैं रूम से, जो पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा। नहीं, वो हम गाड़ी में डाल दें। वो ब्लैक जो बैग था वो आप लोगों का था ना, ब्लैक बैग, बड़ा यामाहा। नहीं, वो मेरा नहीं था, किसी का, जिसका भी था वो हमारा ही है ना। हाँ, वो मैंने भेज दिया। चलते हुए गाइज बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये भाभी अपने उसमें रखने क्या, सब अपने उसमें, अपनी गाड़ी में, गाड़ी में सब। हमारे पास एक ही गाड़ी है फिलहाल। सो राउंड राउंड से जाएंगे हम लोग। सो गाइज, देखते हैं चेरी कैसी है। नाइस। तो गुड यार, जो फ्रेश ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं ना, उसका मज़ा ही अलग होता है। मैंने क्यों मिस किया यार, मैं कब से हूँ यहाँ पे, पर ये चीज़ मैं एंजॉय नहीं कर पाई। बट एनीवेज, जाते जाते कर रही हूँ। सो गाइज, निकल चुके हैं दूसरे होटल की तरफ। फिलहाल है खूबसूरत व्यू, ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी। यहाँ से इतना खूबसूरत है। मुझे लगता है पहाड़ों के पास और नज़दीक आ गए हैं। और यहाँ पे भी कुछ है, आई हैव नो आइडिया क्या है। सो गाइज़, हम लोग निकल गए हैं सेट के लिए और सेट है 1.5 घंटा दूर, बट लोकेशन आई थिंक ऑन द वे अच्छी खूबसूरत जगह दिखने वाली है। चलो कुछ तो अच्छा होगा, बट मैंने सुना इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। हम जा क्यों रहे हैं? क्योंकि प्रिंस ने बुलाया। मन बिल्कुल नहीं है जाने का इतनी गर्मी में। जब तक हम पहुँचेंगे तब तक, चलो ठीक है, तब तक शायद मौसम भी ठीक हो जाए। लेट्स गो। कितनी बड़ी टनल है ये? 9 किलोमीटर्स की ये टनल है गाइस। चलो धूप से तो बचे, उसके बाद तो वहाँ हम लाल किले होने वाले हैं जहाँ हम जा रहे हैं स्पीड पे, और इसी स्पीड पे जाने वाले हैं हम लोग। तो ये बात है गाइस, इस टनल ये सुनने में आया, मेरे को आइडिया नहीं है, बट 9 किलोमीटर की जो टनल है ये सबसे बड़ी टनल है इंडिया के अंदर। मुझे पूरी नॉलेज नहीं है, सो जो मैंने सुना है वो मैं आपको बता रही हूँ। गाइस, इतनी बड़ी टनल के बाद फाइनली हम निकले। मैं वेट कर रही थी कब। बहुत ही ज़्यादा बड़ी टनल है, बट वाव, बहुत प्यारा व्यू। और हम शायद इसको क्रॉस करेंगे ना। ब्यूटीफुल। हवा ववा ठीक है। ये आ गया है नाइस। सीसू में एंटर कर चुके हैं गाइज हम। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीसू में पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। 15 मिनट 20 मिनट रास्ते, हाफ एन आवर खत्म ही नहीं हो रहा है गाइज। थोड़ी देर पहले भी हाफ एन आवर खुला था। ये है रास्ता गाइस, मैं आपको दिखाए जा रही हूँ जहाँ जहाँ से हम लोग आज यहाँ पे आ रहे हैं। गाइस, वाकई में बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत जगह है। ये सब वाइट वाइट दिख रहा है, ये सब आइस है जो गंदी हो गई है। हर काम तेज करना होगा। बेबा बेबा, मॉर्निंग, गुड जाओ, गुड मॉर्निंग। अभी आपका टाइम आ गया शूट का, शूटिंग टाइम। क्या पहन के करने वाले हो? नाइस। गाइस, यहाँ पे इतनी गंदी धूप है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो इतनी ज़्यादा गंदी धूप है, मैं आपको क्या बताऊँ, बस क्या ही बताऊँ, क्या ज़रूरत है बताने की। मेरे को प्रिंस ने बुलाया ऊपर धूप सेकने के लिए। काश थोड़ी ठंड होती तो मज़ा आ जाता। एंड आई एम श्योर जितनी ज़्यादा हम लोग ऊंचाई पे हैं, सूरज के नज़दीक हैं, और उतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। और शाम होते ही जो हालत होने वाली है ख़राब, ठंडी। और मैं पहनने के लिए कुछ नहीं लाई। बेबा, गुड मॉर्निंग। शी इज टू टायर्ड। ओह माय गॉड गाइस, हम कहाँ जा रहे हैं? वहाँ नीचे, उधर नीचे जा रहे हैं। मुझे लगता है वो ब्रिज के ऊपर टास्क है। हाँ, मैं तो बैठे रहने वाली हूँ कार में। आप इधर ही आ रहे हो बार रोजाना? इतने खतरनाक हैं। हाँ, मतलब कुछ दिख तो रहा नहीं है आसपास। यहाँ आगे जाते हुए सो गाइज इस वक्त हो रहा है टास्क और मैं बैठी हूँ कार में बिकॉज ठंड बढ़ती जा रही है और मुझे लग रहा है कि मैं अच्छे से पैक होके बैठ जाती हूँ, बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं है गाइज। सुबह इतनी धूप थी, धूप सडनली ठंड बढ़ गई है। एंड आई शो यू दिस ब्यूटीफुल प्लेस यार। कमाल की बात है, इतनी अच्छी अच्छी जगह शूट हो रहा है ना कि लोकेशंस आर सो प्रिटी। मैं फर्स्ट टाइम इस तरीके से एंजॉय कर रही हूँ, नहीं तो नॉर्मली मैं या तो मैं होटल में ही रहती हूँ या फिर अपना काम करती रहती हूँ, पर दिस टाइम आई एम एन्जॉइंग द लोकेशन बिकॉज इतनी ज़्यादा खूबसूरत। दूर है, ऑफकोर्स हेक्टिक है, बट्स ब्यूटिफुल, लविंग इट। ये देखिए अभी यहाँ पे ली जा रही है फोटोज़, यहाँ पे फोटो सेशन हो गया है। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा इसको बैठना नहीं है, बोलना है शायद। अच्छा देवी ने ले दी लक, इधर इधर मेरा ले दी लक। थैंक यू, वेलकम, लव यू। मैं पीछे आ गया बेबी।